सुरकंडा देवी मंदिर दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूपों में से एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें सती का सिर इस स्थान पर गिरा था। इसलिए इस मंदिर को श्री सुरकंडा देवी मंदिर कहा जाता है। सती के शरीर भाग जिस जिस स्थान पर गिरे उन स्थानों को शक्ति पीठ कहा जाता है। और यहाँ पहुँचने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो पैदल यात्रा करना और दूसरा रोप वे से यात्रा करना। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चल सकते तो आपको लेना पड़ेगा टिकट रोप वे का, जिसका किराया है 205 रुपये आने जाने का। यानी 205 में आपको रोप वे लेके भी जाएगा और वापस लेके भी आएगा। तो दोस्तों, ये स्टेप पूरा करने के बाद आप पहुंच जाएंगे माता सुरकंडा देवी के मंदिर में, जो कि एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर की खूबसूरती आपके मन को मोह लेगी, जहां पर बादल इस मंदिर को छू के निकलते हैं और गर्मियों के टाइम में भी यहां पर इतनी ठंड है जिससे बर्फीली हवाएं चल रही होंगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा माँ सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।